अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ प्याज की पकौड़े, जो काफ़ी टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं प्याज के पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली है, आप चाहे तो चना दाल भी ले सकते हैं। और इसको मैंने 4 से 5 घंटे को फुला के रख दिया था और ये अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए अब एक मिक्सी के जार में इसको पीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3-5 लहसुन ली है और 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है और इसको हम दरदरा पीसेंगे। ज़्यादा महीन नहीं करना है, इसको दरदरा पीसना है, ठीक इस तरह देख सकते हैं। और प्याज के पकौड़े बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें प्याज तो ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली है और इसको महीन महीन कट कर लिया है मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ मैं और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं आप ले सकते हैं, मैंने हरी मिर्च भी ली है। और यहाँ पे मैंने अब स्वाद अनुसार नमक डाला है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्याज पकौड़े बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस सिंपल सी रेसिपी लाई हूँ, इसको ही आप बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तेल चढ़ा लिया है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे पकौड़े। पकौड़े को मैंने गोल शेप में नहीं दिया है, आप गोल शेप में भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिपटा थोड़ा सा कर कर के दबा दबा के इसको डाला है और इसको हम हाई फ्लेम में ही डालेंगे, धीमी आँच में नहीं डालेंगे, नहीं तो वरना ये तेल पूरा सूख लेगा पकौड़े। तो इसको अच्छे से मैं डाल कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गरम तेल है इसलिए ये जल्दी पक चुके हैं, पक गए हैं। चलिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए बना, हमारा प्याज पकौड़ा बन के रेडी है। और अब देखिए इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कितना ही अच्छा दिख रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इसको, अभी रमज़ान मुबारक है, आप इसको इफ्तार के वक्त बना लीजिए या फिर बारिश के मौसम में बना लीजिए। ये बहुत ही अच्छी है, होती है, टेस्टी भी होती है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको बना के ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।